रायगढ़ तहसील कार्यालय में मारपीट मामले में फरार आरोपी दीपक मोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, साथ ही मामले में संलिप्त अन्य लोगों की पतासाजी की जा रही है। 15 फरवरी को पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तहसील कार्यालय रायगढ़ में मारपीट मामले में फरार आरोपी दीपक मोड़ा, पिता दिवाकर भगवंत मोड़ा, उम्र 50 वर्ष, निवासी कोतरा रोड बावली कुआं, थाना कोतवाली रायगढ़ को चक्रधर नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। चक्रधर नगर पुलिस लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के मिलने के स्थान पर दबिश दिया जा रहा है। मामले में अब तक आरोपी भुवनलाल शर्मा 15 फरवरी को पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तहसील कार्यालय रायगढ़ में मारपीट मामले में फरार आरोपी दीपक मोड़ा, पिता दिवाकर भगवंत मोड़ा, उम्र 50 वर्ष, निवासी कोतरा रोड बावली कुआं, थाना कोतवाली रायगढ़ को चक्रधर नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। चक्रधर नगर पुलिस लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के मिलने के स्थान पर दबिश दिया जा रहा है। मामले में अब तक आरोपी भुवनलाल साव, जितेंद्र लाल शर्मा, कोमल प्रसाद साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। 15 फरवरी को आरोपी दीपक मोड़ा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। शेष फरार आरोपियों की पतासाजी किया जा रहा है। चक्रधर नगर अंतर्गत आने वाले तहसील कार्यालय में 12 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें कुछ वकील वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ के जो तहसील के कर्मचारी और एक तहसीलदार, उनके साथ उनका विवाद हुआ और इस पे मारपीट की घटना हुई थी, जिसका फुटेज सामने आया था, जिसमें 3 नामजद आरोपी थे, 2 लोगों की बाद में नाम खोला गया था। इस प्रकार से 5 आरोपी इसमें थे, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी दीपक मोड़क करके एक आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। इस प्रकार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर भेजा गया है। एक आरोपी अभी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही, कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN 24।